मतः राजस तमस चै मतः राजस तमस चै मतः एवं इति तान् वृद्धिना एवं इति तान् विधिना तु वहं तेषु मया तु वहं तेषु मया मीनिंग वर्ड ए जो च तथा एवं निश्चय ही सत्विका समुगुरी भाव भाव राजसा रजगुरी तमसा तमगुरी च भी ए जो रिपीट कीजिए मतः मुझसे एवं निश्चय ही इति इस प्रकार तान उनको विधि जानो ना नहीं तो लेकिन अहम मैं तेषु उनमें से ते वे मैं मुझसे नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष्य शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणि नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष्य शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सिद्धि गदाधर शिव पंच कल्प द्रुविश्या कृपा सिंधुरेव च पितनाम पावने व्यो वैष्णवे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे तुम जान लो कि मेरे शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं चाहे वे सत्व गुण हो रज गुण हो या तमोगुण एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं किंतु मैं स्वतंत्र मैं हूं प्रकृति के गुणों की अधीन नहीं अपितु वे मेरे अधीन संसार में सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपत्र होते हैं यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण की उद्गम है किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते उदाहरण राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है कि किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम को अधीन नहीं होता उसी तरह प्रकृति के सभी गुण सत्व रजो तथा तमगुण भगवान कृष्ण की उद्भूत है किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं इसलिए वे निर्गुण है जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं किंतु वे उन्हें प्रभावित नहीं करते यह भगवान का विशेष लक्षण है हरे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण यहाँ जो है बता रहे हैं कि तीनों चीज जो है हम ही देने वाले हैं और व्यक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उदाहरण के स्वरूप में उदाहरण के लिए है कि जैसे राजा जो है नियम बनाता है उसी द्वारा जो है उसी तरह जो है भगवान श्री कृष्ण किसी को अधीन नहीं
उनके अधीन हम लोग हैं। भगवान स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस संसार में तीन गुण से व्यक्ति प्रभावित है, जैसे सत्ता है, राजा है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को समझा रहे हैं, केवल अर्जुन को ही समझा नहीं रहे हैं, केवल पूरा संसार को जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि पार्थ देख, जो चीजें हैं सब हमारे हमारे ही से उत्पत्ति होती है। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप, जितना ही संसार की कर्म काज है, वो सब हमारा द्वारा ही होता है। एपी प्रकृति को बनाने वाला मैं ही हूं। अगर एक मिनट के लिए मैं हवा पानी सब बंद कर दूं, तो सारे संसार जो है तरह तरह करके सब खत्म हो जाएंगे। उसी तरह से राजा जो है नियम बनाता है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण यहां पर तब रूपा जी ने उदाहरण दिया है। भगवान श्री कृष्ण जो है ये जो है परम पिता परमेश्वर है। कहा गया है कि अचूत अनादि अनंत रूपम मध्यम पुराणम पुरुषोत्तम गोविंद गोविंदम आदि पुरुष। भगवान श्री कृष्ण बता यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है कि भगवान जो है इस संसार में एक ही पुरुष है, वो जो है कृष्णा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड है, लॉर्ड कृष्णा। हमारे तीन गुण से ये जो है संसार प्रभावित है। जिस तरह से बताया गया है कि रज सतगुण रजगुण तम, तो हमारे जो भगवान श्री कृष्ण यहां पर बता रहे हैं कि जो हमारा भक्त है, जो हमारा भक्त बनता है, जो हमारे शरणों में आता है, वो जो है सतगुण सतगुण के स्वरूप। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं जो व्यक्ति हमारे शरण में आते हैं, शरणागत होते हैं, इस भौतिक संसार से हम मुक्ति कराकर अपने धाम को ले जाते हैं। लेकिन यहां पर यह भी है, बताया गया है कि शरण में कैसे भगवान को चरणों में अर्पित अपना मन तन धन ये सब चीज जो है भगवान को चरणों में अर्पित हम करते हैं। भगवानों के चरणों में ये जो है सब चीजें उनको हम अर्पित करते हैं। हे प्रभु, जो सारे चीजें हैं ये सब टम्पोरी उस दिन की। हर इंसान जो है, सभी को मालूम है, हर इंसान चाहता है भौतिक संसार में कोई व्यक्ति जो है दुख नहीं होना चाहता। अगर कोई व्यक्ति
कोई संसार व्यक्तियों से सभी पूछा जाए, हमारे भाई लोग से, अताई जी लोग से, तो कोई संसार में बुढ़ा वृद्ध होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहता। इस संसार में nobody like this material world, nobody like to become old. लेकिन ये प्रकृति, इस संसार में कोई व्यक्ति, कोई इंसान जो है मरना नहीं चाहता। जब टाइम आएंगे, टाइम के अनुसार हमारा जो शरीर जो है पांच तत्व से बने, एक शरीर जो है, इस शरीर जो है वृद्ध होता है, शरीर जो है वृद्ध होता है, आत्मा जो है कभी वृद्ध नहीं, सनातन। शरीर जो है वृद्ध हो जाने के अनुसार वो जो है डिपेंड करते हैं उसके आपके ऊपर में कि यदि आप कहां जाना चाहते हैं, अगर भगवान के धाम में, भगवान के चरणों में, भगवान के धाम में यदि आप जाना चाहते हैं तो भगवान का भक्ति करना है, भगवान को गुणगान करना है। इसलिए रूपात जी ने स्पेशली कलयुग के लिए बताया गया है कि महामंत्र, स्पेशली इन द कलयुग यू हैव ओनली महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये संसार में हर इंसान, नारी हो, मनुष्य हो, बच्चा हो, शिशु हो, इस संसार में कोई व्यक्ति जो है वृद्ध नहीं होना चाहता। लेकिन हमारा ये नेचर, प्रकृति का एक दिन है, जब एक टाइम होता है तो टाइम के अनुसार जिस तरह से एक बच्चा जो है अपनी मां के गर्भ में पैदा होता है, शिशु आस्ते 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 वो बड़ा होता है, बड़े होने के बाद में जवान होता है, यंग होता है, आस्ते 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 उनके शरीर के अनुसार डेवलप होता है, डेवलप के अनुसार धीरे 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 जिस तरह से हमारी उम्र ढलती जाती है उस तरह से हमारा शरीर, यानी कि कुछ दिनों के बाद में हमारे शरीर में धीरे 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 परिवर्तन होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, हमारा एक शरीर में परिवर्तन होती रहती है। तो उसी अनुसार व्यक्ति को जो है धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन होता है, परिवर्तन के अनुसार उनके शरीर जब नष्टवान है, हमारे शरीर जो है क्षण भंगुर है, ये नष्टवान है, कोई भी समय में एनी टाइम कुड बी हैपन टू एनीबॉडी, कोई भी समय में ये हमारे शरीर खत्म हो सकता है। तो ये जो है प्रकृति का दिन है, हर इंसान, हर नारियां चाहते तो हैं कि हमेशा हम यंग और जवान रहें, इन पास टाइम के अनुसार उनको वृद्ध होना है, टाइम के अनुसार उनको शरीर छोड़ना है, यानी कि मरना है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे अंदर जो है बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह से बताया गया है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हमारा नाम कहते हैं कि हमारे चीज है, कोई भी चीज है दिस इज बिलोंग्स टू मी, इतनी हमारे भौतिक संसार में व्यक्ति हैं, बहुत आसक्ति है, टेम्पोररी,
जिस तरह से माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, सभी वही बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण यहां पर बता रहे हैं कि ये सब सारे चीज भौतिक में रखकर भी हमारे चरणों में तो अर्पित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब रहकर भी, गृहस्थ जीवन में रहकर भी भक्ति किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गृहस्थ लाइफ वेरी गुड, गृहस्थ जीवन भी बहुत उत्तम पद्धति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में व्यतीत करने के बाद भी, गृहस्थ जीवन में रहने के बाद भी हमको भक्ति कर सकते। भक्ति किस तरह से करना है? जिस तरह से हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या कहीं हम ड्यूटी करते हैं या काम करते हैं, उसके लिए एक टाइम कि हमको जो है ऑफिस जाना है, हमको 10:30 आहट लेनी चाहिए। इसीलिए एक जो है भगवान के लिए ज्यादा से ज्यादा नहीं, भगवान के लिए थोड़ी सी टाइम दीजिए, कम से कम 15-20 मिनट, मतलब थोड़ी सी समय भगवान के लिए हम निकाल। नहीं तो दिन भर तो बहुत सारे कल्पों करते हैं, बहुत सारे कहां कहां की बातें होती हैं, लेकिन भगवान को केंद्र बिंदु समझकर, भगवान को स्मरण समझकर, भगवान को परम पिता समझकर, उनको जो है हमको एक कात्र मन करके कम से कम 15-20 मिनट हमको जो है उनको आराधना करना है। ये जो है ये सभी के लिए अनिवार्य है, कोई ये जरूरी नहीं है फॉर ओल्ड पीपुल, फॉर यंग पीपुल, फॉर चिल्ड्रन, फॉर एवरीवन, सभी के लिए ये अनिवार्य है। भगवान को चरण में अर्पित होना ये हमारा बहुत भाग्य है। मनुष्य की तन जो है दुर्लभ से मिलती है, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, पोचर हैं, बेचारे चल नहीं सकते, तो 84 जोनि में एडी आते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य की तन मिला है इस बार तो फिर हमको इतनी दुर्लभ से और इतनी जल्दी नहीं मिलती, बहुत दुर्लभ से मनुष्य की तन मिलता। हम जान सकते हैं कि सही क्या है, गलती क्या है, हम सोच सकते हैं। मनुष्य की बुद्धियों में, मनुष्य की तन में हमको जो है समझ सकते हैं कि क्या गलती है, क्या सही। इसलिए भगवान ने हम लोगों को मन भी लाइक दिया है। इसीलिए भगवान को भक्ति कलयुग के लिए बहुत उपयोग है। तो बस जैसे भी हो, यदि जैसे भी अवस्था में, ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब भगवान के नाम जो है, एक श्लोक में बताते हैं मन मना भव, भगवान के नाम जो है मन से भी हम ले सकते हैं, भगवान को नाम जो है मन से भी ले सकते हैं। भगवान को अगर भोग भी कोई काफी दूर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, भगवान को अगर मन से आप अर्पण करते हैं तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन भावना आपके अंदर में इस तरह से होनी चाहिए। अगर इस विषय में कोई व्यक्ति का प्रश्न है तो प्रश्न कीजिए, 5 मिनट है, 10 मिनट आप प्रश्न कर सकते। हम प्रश्न करेंगे कोई सी बात नहीं है, कोई संबंधी अगर आप पूछना चाहते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। जन्माष्टमी है, रामनवमी है, बड़े बड़े फेस्टिवल जो होते हैं हमारे गांव में।
मंदिर करीब हमारे यहाँ से 7-8 साल हो गए। बहुत बढ़िया। अच्छा, शाम के टाइम भी जो हाँ हाँ आते तो भगवान को एवरी डे ऐसा नहीं होता है, ऐसा संडे को होता है। मतलब संडे को क्या है कि सब क्या तरीका, कभी लोग गैदरिंग होता है संडे को, सैटरडे संडे को जो है लोग उनका जो है छुट्टी है, स्पेशली संडे को सब लोग आते हैं और उत्तर सब मिल करके फिर करते हैं, देखते हैं, अच्छा हो गया है। अब ऐसे आरती तो प्रतिदिन एक आरती जो है आपको मंगल आरती 6:30 आज है, इसके बाद जो है 7:30 में सिंगार आरती बोलते हैं, भगवान को सिंगार करते हैं, फिर जो है 7:30 फिर जो है 12 बजे आरती होंगी, उसको 12:30 बजे भगवान को सुनाते हैं, 4:30 बजे 4:30 बजे ऐसी कोई बात नहीं है। हर संडे को जो है कोई ना कोई स्पॉन्सर करने वाले मिल जाते हैं, करते हैं नहीं मिलते जिनको इच्छा है भगवान को सब बनाना निकाल देता हूँ। तो बिल्कुल आए नहीं, मतलब सब आए आप नहीं मिले, पिछली बार भी आए थे उस समय तो नहीं आ पाए क्योंकि फिर गाड़ी नहीं थी। अच्छा बच्चे लास्ट टाइम आया था तो आपको ढूंढ रहा था, संडे को आए थे लास्ट संडे में उसके पहले। अच्छा अच्छा लास्ट संडे तो थे संडाउन में क्या था ना उसके पहले। ठीक है, प्रशांत जी ने बाकी बढ़िया।